लोगों ने बहुत ताने दिए कि बहुत श्याम बाबा करते फिरते थे, अब देखते हैं कि तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है। हमने उनको एक ही बात बोली कि हमारा तो पहले भी भजन गाकर ही गुजारा चलता था और लॉकडाउन में भी भजन गाकर ही गुजारा चला है। वो चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसने किसी भी प्रेमी को भूखा नहीं सोने दिया, भूखा नहीं रहने दिया। हमें देखने वाला कोई न था, हमें पूछने वाला कोई न था, तुम जो मिले बंदगी मिल। किस किस को सहारा मिला मेरे ठाकुर, एक भी हाथ नीचे ना रहे प्रेमियों, अगल बगल देख लेना, अगर किसी का हाथ नीचे हो तो आज आप ही पकड़ कर उठा देना, ताकि उसको भी पता चल जाए कि इनकी शरण मिलती है तो कृपा कैसे बरसती है। उठाना जरा मिलकर के, और ये जोरदार तालियां, एक दो तीन चार। एक बार जरा दोनों हाथ उठाना समर्पित भाव से, बिल्कुल जो जो शरणागति आना चाहता है मेरे ठाकुर के सामने, ये जरा दोनों हाथों से ये जोरदार तालियां मिलकर के, एक दो तीन चार। अब नहीं होता, इनकी शरण में आने से पहले आइए। अरे ऐसे ऐसे भी दिन देखे इन 8 महीनों में, जिसको ये बीमारी हुई ना, उनके चाहे कितने भी गरीबी थे उनको हाथ तक नहीं लगाने, बच्चों ने माता पिता की डेड बॉडी को स्वीकार करने से भी मना कर दिया, ऐसे दिन आ गए थे। ताली बजाओ, ये दुनिया है ना साहब, जिस तरह लोग ढूंढते हैं ना कि कोई हारा हुआ कोई बेसहारा मिल जाए तो हम उसको और तड़पाए, उसी तरह ये भी ढूंढता है कि कोई हारा हुआ कोई बेसहारा मेरे दर पर आ जाए और मैं उसका हाथ थाम लूं। आज कौन कौन हाथ थामेगा, कौन कौन हाथ पकड़ाएगा मेरे बाबा को, ताली बजाओ ना मिलकर। गनीमत है ये
तुम मेरे साथ हो, गनीमत है ये तुम मेरे साथ हो, मुझे आपकी दोस्ती मिल गई, गनीमत है ये तुम मेरे साथ हो, मुझे आपकी दोस्ती मिल गई। अरे इनकी दोस्ती को ऐसा वैसा मत समझो, जब दोस्ती निभाने पर आए थे सुदामा के साथ तो सिर्फ दो मुट्ठी चावल के बदले तीन लोग तक वारने को तैयार हो गए थे। अगर उस समय रुक्मणी उनका हाथ नहीं पकड़ती तो अपने सुदामा पर, अपनी मित्रता पर ना जाने क्या कुछ वार देते। आज आपको दोस्ती करने का मौका मिला है, कौन कौन करेगा दोस्ती, ये जरा दोनों हाथों से मिलकर के ताली एक साथ, एक दो तीन चार। ऐसे ऐसे खजाना लूटोगे? अरे ये मत समझो कि हम खाटू में नहीं बैठे। एक साल बाद मौका मिला है हमें, ऐसा समझो कि आज साक्षात खाटू से जोत आई है, आज सावरा मेले पे सवार होकर हमारे यहाँ पर आया है। कौन कौन खजाना लूटेगा जरा ताली बजाओ ना मिलकर के एक साथ, ये जोरदार तालियों के साथ एक साथ, एक दो तीन चार। बहुत लोगों ने भड़काया कि क्या हुआ, खाटू का दरबार बंद है तो क्या हुआ, साला सर चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, वहां झोली फैला लो। नहीं, जाएंगे जरूर, लेकिन ये हाथ जिसके आगे फैलने एक बार शुरू हो गए ना, उसके बाद किसी और के आगे नहीं फैलेंगे। ये भक्तों का विश्वास कहता है कि बाबा तू चाहे थोड़ा दे या ज्यादा दे, लेंगे तो तेरे इधर से लेंगे, दूसरों के इधर से नहीं लेंगे। ताली बजाओ जरा मिलकर, कहना मुझे शाम तुम पे भरोसा बहुत है, तुमने हमें पाला पोसा बहुत है, तुम जो मिले। अरे लोग
अपने घमंड में जीते हैं, जिन्होंने कोई 10 बंगले बना लिए, कोई 10 गाड़ियां ले ली, कोई 15 फैक्ट्रियां चला ली, तो समझने लगे थे कि हम ही बादशाह हैं इस दुनिया के, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही चलेगा, कौन माई मालिक। लेकिन वो ये नहीं जानते इस कोविड ने, ये मत समझना कि परेशान किया, इसने हमको बहुत कुछ सिखाया कि हमको किस तरह से रहना चाहिए। एक शक्ति जो हमारे ठाकुर की है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पूरा पालन किया, जिन्होंने मास्क भी लगाया, सैनिटाइजर भी यूज किया, और ऐसे भी लोग थे जो ठाकुर के गुणगान के लिए, ठाकुर की सेवा के लिए ना जाने कितने सहारों को सहारा देने बाहर निकले। जो घर में बैठे थे उनको कोविड पॉजिटिव हो गया, लेकिन जो बेसहारों की मदद करने के लिए बाहर निकले थे ना, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पाई हो गया, प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। यहाँ कितने प्रेमी हैं जिन पर ठाकुर की कृपा बरस रही थी, ताली बजाओ ना एक साथ। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, अरे जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा शाम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा शाम पर डूबा कभी नहीं। इस कीर्तन का जब पहली बार बोला है ना, तो वो समय था अप्रैल, अप्रैल या मई का समय था। गणेश भैया का मुझे कॉल आया कि भैया फरवरी में कीर्तन करवाना। मैं बोला भैया पूरी दुनिया के दिमाग चक्कर में खा बैठे हैं कि ना जाने क्या होगा अगले दिन, और आप फरवरी की चिंता कर रहे हो। भैया बोले कि भाई अपना काम है बुलाना और इसका काम है आना, है हमारा काम है तैयारी करना और इसका काम है निभाना। जिसका भरोसा शाम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा शाम पर डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा, अरे तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे। जब तक है जिंदगी मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक। देखो अगर अगर इस दरबार में अगर धन दौलत, अगर गाड़ी बंगलों के चक्कर में बैठे हो ना, तो बेशक ताली मत बजाना, क्योंकि ये चीजें तो ये पार्टी देगा। आज एक साल के बाद आया है यहाँ पर, ये चीजें तो भरपूर बांटेगा, लेकिन जो इसकी कृपा का हाथ मांगने आया ना, एक बार जरा दोनों हाथ उठाना। जो जो चाहता है कि बाबा इस दुनिया की दौलत से हमें दूर रखना और अपने प्यार की दौलत के हमें करीब रखना, एक बार जरा दोनों हाथ उठाना और कहना मेरे साथ, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे। हाँ जब तक है जिंदगी मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम। बाबा बाबा आज आपको जिसका भी हाथ दिखाई दे, आज उसका हाथ थाम लेना बाबा, और ऐसा थामना कि जन्मों जन्मों तक मत छोड़ना बाबा। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के ये जोरदार तालियों के साथ, एक दो तीन।